किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसे किसान के पास में जिन्होंने जो है पानी बचाने के लिए, अब मैं कहूंगा कि पानी बचा रहे हैं कैसे बचा रहे हैं तो आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, तो एक छोटी सी शुरुआत करी है, वो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया से परिचय लेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया छोटा सा परिचय करवा दो। नाम अमित कुमार, पिताजी श्री चंद्रपाल सिंह, गाँव रोहटा, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। तो भैया जैसे अपना खेत तो ये आपने रिंग से बो रखा ना? हाँ जी, रिंग पिट से है। तो अब हमें ये बताओ, जैसे आपने रिंग से भी बो रखा है, इसकी एक तो चौड़ाई कितनी होगी आपने रखी? चौड़ाई इसकी तो फिलहाल तो 7 फुट है सेंटर से सेंटर। अच्छा, मतलब 7 फिट। जी हाँ। और इसमें जो है आपने जैसे ये गहराई कम जी 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 ले ली, इसका क्या मतलब है, इसमें क्यों दोबारा से ये चलाना पड़ा? इसे एक उद्देश्य है अपना। हाँ जी, फिलहाल तो व्यक्तिगत ही है, चाहा तो मैं ये रहा कि सभी उसे करें। बिल्कुल। लेकिन शुरुआत करिए। बिल्कुल। इसका टारगेट है पानी बचाना, मेन बात तो पानी बचाना। पानी बचाना ठीक है। पानी बचाने का ये है कि समस्या देश में क्या, पूरी दुनिया में पानी की आ रही है, आने वाली है, आगे और बढ़ेगी। और बढ़ेगी बिल्कुल, ये सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या चल रहा कि सामान्य विधि में पानी बस सबको पता ही है, जैसे भी चला रहे हैं। हाँ जी भाई, 5-5 बीघे फ्लड विधि से चला रहे हैं। हाँ, मतलब 12 चला दी। हाँ, वो पानी 5 घंटे ना, वो भर जाए 8 घंटे भी चल जाओ। हाँ, वो उसी में चलना। बिल्कुल। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जैसे हमारे रिंग भर गए जी, उसके बाद हमने अपने पावर वीडर से ये नाली बनाई जी। अभी तो खैर ये कमी है, और भी गहरी बनेगी ये जी, जो इस बार हम बुआई कर रहे हैं उसमें और भी गहरी बनाएंगे। पावर वीटर कौन सा जी आपका? किर्लोस्कर का है। अच्छा, किर्लोस्कर डीजल का? डीजल का 8 हॉर्स पावर। बढ़िया चला जी? हाँ बढ़िया चल रहा, थोड़ा है उसमें दिक्कत। अच्छा। दिक्कत क्या है कि एक तो मतलब मेंटेनेंस भी है। अच्छा। और जो है ये जो आपका स्पेयर पार्ट है ये थोड़ा महंगा है, मतलब थोड़ा कॉस्टली। हाँ चलो चलो, तो चलो वो अलग, वो अलग विषय, अलग विषय है। तो इसमें जो हम पानी जो हम चलाएंगे वो केवल इस नाली में चलाएंगे। अच्छा। इसमें क्या है बबलू भैया, अब तो ये हमारा 7 फुट का सेंटर है। ठीक है। इस बार जो हम बुआई कर रहे हैं वो हम 5 फुट के सेंटर पर कर रहे हैं। हाँ, जो पिछली वीडियो में। हाँ 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 बिल्कुल। तो वो यहाँ है, वो मिलेगा हमें गड्ढा यहाँ पे और ये यहाँ पे जी। तो वो जो नाली जो है वो पानी इस नाली में चलेगा केवल जी, और कहीं नहीं जाएगा पानी, और पानी गन्ने के नहीं लगेगा जी। गन्ना उससे मतलब सील से वो हमें करना, मतलब वो फ्लड पानी ना रहेगा, वो सील चढ़ेगी। सील चढ़ेगी, जो जैसा मान के चलो ड्रिप सिस्टम से। ड्रिप सिस्टम मतलब हाँ, एक तरीके से मान लो देसी ड्रिप हो गई। देसी ड्रिप होगी एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप खाद डाल लो, वो चाहे आप यूरिया भी डाल लो, चाहे कुछ भी डाल लो। हाँ, वो सब उसे सील के माध्यम मतलब इसकी जड़ जो है खींचती रहेगी, खींचती रहेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मतलब जो टारगेट असली है, जैसे डॉक्टर लोगों से बात हुई, कहते हैं कि इससे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा जी, लेकिन हमारा प्रोडक्शन पर कोई ध्यान नहीं है। हमारा तो ये है भी किसी भी तरह हमारा खेत वो पानी बच जाओ, प्रोडक्शन हमारा जो चल रहा चल ही रहा, वो तो कोई बात। प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। हाँ बस वो तो एक है ना? अलग बात है भैया। एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और लेनी चाहूंगा जी। जैसे मतलब आपने अपने क्षेत्र में पहली बार ही रिंग पिट की शुरुआत करी जी? हाँ, पिछले जी। साल करी होगी जब भी, तो इस बार पौधा। हाँ हाँ, पिछले अब साल। तो आप मुझे लगा है 100% ही रिंग पिट पाने वाले। बस आने वाले 2-3 साल में हमारे टोटल पे 100% हो जाएगी। तो मतलब क्या सुझाव देना चाहोगे किसान भाइयों को, जो मतलब वो अच्छा गन्ना पैदा करें, खर्चा कम हो, परेशानी से भी बचे। एक तो मुझे सबसे जो मुझे देखने में ही लग रहा है कि बंधाई इसमें आपने एक प्लास्टिक की डोर सी करा, बस 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 बस, और कुछ जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें क्या है, रिंग फिट में जो खर्चा जो है वो बुआई में है बहुत ज्यादा, मतलब शुरुआत में ही है, जो शुरुआत में है जी। लेकिन जिस टाइम पे आपका खेत काटने तक पहुंचेंगे, हाँ जी, आप एक 5 बीघे का नंबर लो सामान्य विधि का, ठीक है, आप एक 5 बीघे का लो रिंग पिट का, ठीक, आप उसका शुरू से खर्चा जोड़ते चले जाओ। शुरुआत में रिंग पिट का खर्चा जाएगा बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, लेकिन जब खेत काटने लायक आएगा तो वो दोनों लगभग बराबर ही आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बंधाई का खर्चा जीरो है। जीरो है बिल्कुल। उसमें बंधाई का खर्चा देख लो कितना है, बाजे बाजे ना, तो 7-7 बार बंधवा रखे। चलो 7 बार देने, 3 बार तो नॉर्मल बनती है, 3-4 बार मान के चलो, 4 बार तो नॉर्मल बनेगी, अच्छा खासा खेत। हाँ जी। तो 4 बार की बंधाई का हिसाब जोड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज को देख के तो देखो खर्चा हमारे हिसाब से तो है, देखो बराबर थोड़ा बहुत होगा फालतू, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत उसी हिसाब से फिर इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक है। मतलब अब जैसे भैया बात आ रही है लेबर की जी, तो जैसे आप शुरुआत से मतलब बुआई कर रहे हैं, लेबर से करा रहे हैं, इतना रकबा अपने आप हो भी नहीं पाने, नहीं कोई भी नहीं, एक दो गड्ढा 10 गड्ढे तो आज भी कवर कर लेगा ऐसे। हाँ जी, तो लेबर की कॉस्टिंग बीघे पे कितनी आ जा अंदाजा?
और कितनी लेबर कितने बीघे की बुआई कर दें? लेबर का ये मान लो हमारे यहाँ 6 लेडीज आती हैं जी, 6 लेडीज जो है 1 बीघा गन्ना आपका बोएगी, मतलब 6 लेडीज 1 बीघे की बुआई कर देगी, बुआई कर देगी लगभग मान लो आप 70 गड्ढे वो बो देगी ये मान के चलो। अच्छा, एक लेडीज, एक लेडीज, अच्छा अच्छा 70 गड्ढे के आसपास वो बोदेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप ये मान लो उसमें वो बीज हमें तैयार करके देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बीज की कटाई करके आपको देना? नहीं, हाँ बीज तैयार करके वो कटर से काटेगी। अच्छा, ट्रीट करेगी। ठीक है, ट्रीट करने के बाद गड्ढों में डालेगी और फिर उसमें मिट्टी करेगी। फिर उसमें मिट्टी करेगी जी। तो ये इसमें वो 70 गड्ढे के आसपास वो कर देगी मतलब। अच्छा, कहीं कहीं कोई 50 भी कर सके कोई? हाँ भाई देखो वो थोड़ा वो अपने हाथ की भी बात है भाई, किसका चीज को समझने की भी बात हो जाए। तो एक एक हमारे पास है जो मेन है वो मतलब 90 गड्ढे तक कुछ आ दे। अच्छा, मतलब हाथ बैठने की बात, बैठने की बात है जी जी जी। लेकिन वो औसत जो है वो 70-80 के लगभग है मतलब जी। अब थोड़ी सी बात मैं ये पूछनी चाह रहा, जैसे ये आपने मुझे दिख रहा है गन्ना, तो इसमें काफी अच्छा गन्ना बढ़िया हो रहा। हाँ, नीचे से ऊपर तक बराबर ही है। हाँ जी, इसमें आपने ये प्लास्टिक की डोर क्यों बनवाई? जूने की बनाई चाहते थे, जूने से बनवाई? नहीं नहीं नहीं, जूने की बनाई से तो इसमें नुकसान हो जाएगा। जूने की बनाई में तो नुकसान ही हो जाएगा ना, कि जैसे जून लगेगा तो गन्ना ऊपर से बारीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसका यो फायदा सामान्य विधि में भी है? सामान्य विधि में जो है आप देख रहे होगे कि ज्यादातर गन्ना ऊपर जाके बारीक हो जाए, बहुत बारीक हो जाए। उसका मेन कारण ये है कि जून लगने शुरू हो जाए यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से वहां तक लगते चले जाएं जी, तो बारीक तो होना ही होना है, मतलब उसका दम घोट दें। दम घोट दें जी। इसमें अगर आपका बारीक गन्ना भी है ना, जैसे कोई हल तो मूना है नहीं, लेकिन अगर हो भी मूना, हाँ जी, तो वो मूना ऊपर तक जाएगा, वो भले बारीक है इतना है लेकिन वो जाएगा ऊपर तक जी। तो ये रस्सी तो बांधने का उद्देश्य इसकी बनाई नहीं है जी, इसके गन्ने ना बिखरे ऐसे। अच्छा, मतलब अगर ये रस्सी फैल जाए, अगर ये रस्सी ना हो तो ये गन्ने ऐसे हो जाएंगे, झूल जाएंगे, झूल जाएंगे, वो नहीं होने का। बस उसके लिए ये रस्सी है, बनाई का इस रस्सी से कोई मतलब नहीं। अब जैसे अब तक तो आपने 38 गन्ने की बुआई करी जी। हाँ, अच्छा प्रोडक्शन भी लगा, बढ़िया, बीमारी भी आई, निकल गई। हाँ, फिर भी खेत अच्छे खड़े हैं। अब जो आपके नेक्स्ट जो बुआई कर रहे हैं आप, किस बीज को ज्यादा प्राथमिकता दोगे? 38 से बाद में तो उसके बाद तो फिर नंबर वन पे तो 15-0-23 मेरे हिसाब से। 15-0-23 अगर गिद्दड़ सुअर का नुकसान किसान कंट्रोल कर ले तो उसमें ज्यादा है। ठीक है, नंबर दो पर 118 जी। 118 वैरायटी भी अच्छी है भाई। ऐसा है देखो, 38 से अगर आप किसी का मुकाबला करोगे तो कोई नहीं ठहरेगी। अच्छा, अभी कोई नहीं ठहरी। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये होगी कि ये तो हो गया बुढ़ा, मतलब धीरे धीरे इसने बहुत लंबे टाइम तक साथ दे दिया। आगे भी देगा अगर किसान थोड़ी सी मेहनत कर ले इसके साथ। हाँ, मतलब लोग बीज पे काम भी नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, कुछ हाँ नहीं कर रहे। अब मैंने आपको दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 2 फुट का ही निकाल दो, मतलब डॉक्टर लोग तो कह रहे हैं भाई आधा या एक तिहाई ले लो। मैं कह रहा हूँ कि नीचे का 2 फुट निकाल दो जी, रिजल्ट मिलेगा। ट्रीट कर लो उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। और नंबर 3 पे 1 साल में 3 बार ट्राइकोडर्मा चलाओ खेत में, मतलब लिक्विड में, लिक्विड वाला हो चाहे ये गोबर वाला हो। गोबर वाला का सुनने में बहुत अटपटा लगे लेकिन बहुत आसान काम है। हाँ जी, आसान मेरे लिए तो आसान है, बाकी हाँ, वो तो कर सभी अपनी अपनी बात है, उसमें छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो बीज जो है, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, जितने भी नए बीज आ रहे हैं इनका तो समान विधि में होना भी बहुत बड़ी बात है। समान विधि में सारे फेल हो जाएंगे जी। 10% किसान ही कामयाब होंगे 28 इंच पे जी। 15-0-23, 14-201 और 13-235 और 118 वो जी। ये तो आप ये मान लो 30-32 इंच से कम तो बोने ही नहीं चाहिए जी, जब ही इनमें कुछ कामयाबी मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीज, दूसरी बात ये है कि बीज किसान को सारे बोने चाहिए थोड़े थोड़े। ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती हुई है शुरू में कि हमने टोटल 38 कर दिया और अब हमें बीज बोने के लिए हमें 1,000 रुपए की अब जो है मार्केट में बीज लेना पड़ रहा है। ये भी ठीक नहीं है। हाँ जी। थोड़े थोड़े मतलब हम तो नहीं कह, 2-2, 4-4, 5-5 फुट सारे बीज के बो के रखे, जोन सा ठीक लगा उसकी अपनी, उसे फिर आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि हर किसान की अपनी राय है। बिल्कुल। 15-0-23 को ज्यादातर किसान फेल बता रहे हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ठीक ठाक हो रहा, हमने ठीक बता दिया जी। 14-201 को कुछ तो मतलब 1-2% ही है जो ठीक बता रहे हैं। हाँ जी। फिर भी हम बुआई कर रहे हैं जी। 118 की भी बुआई कर रहे हैं, हालांकि पेड़ी खतरे में है जी। 13-235 की भी बुआई करेंगे जी। तो बुआई सारे बीज की कर लो थोड़ी थोड़ी, जो अच्छा ठीक लगे उसे बढ़ा दो, किसी न किसी अनुपात में अच्छा होगा उसे आप बढ़ाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई साहब आपने, और आपका जो मुझे ये मॉडल है ये बहुत पसंद आया। देखो इसे अगली साल और बढ़ाएंगे थोड़ा, देख रहे हैं
पानी बचाने पर आने वाले समय में पानी के ऊपर युद्ध होगा, वो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। नमस्कार।